करीब 454 दिनों बाद क्रिकेट के मैदान पर लौटे ऋषभ पंत ने एक ऐसा ट्रेलर दिखाया कि आईपीएल की सभी 9 टीमें जहां डरी ही, वहीं ईशान किशन, केएल राहुल भी डर गए हैं। आखिर क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 18 रनों की पारी के लिए, उस पारी में एक झलक दिख गई वो पुराने वाले ऋषभ पंत की, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे। ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी में 13 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली, जिस दौरान उन्होंने 2 चौके भी लगाए। और इस दौरान 2 चौके के साथ ही ऋषभ पंत ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना दिया है, वो आईपीएल में अपने 400 चौके कंप्लीट कर चुके हैं। तो आते ही ऋषभ पंत के नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। और सबसे खास बात की जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पंत एक उस तरीके की एक्सीडेंट से वापस आ रहे हैं। पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे और पूरी तरीके से अच्छे शॉट भी खेल रहे थे। उन्होंने कवर पे बहुत ही खूबसूरत चौका भी जड़ा। ऐसे में केएल राहुल और ईशान किशन के लिए परेशानी वाली बात ये है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखें तो जयशाह की तरफ से भी एक बयान आया था कि अगर ऋषभ पंत अच्छा करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो हमारे लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऋषभ पंत इस तरीके से आगे वाले मुकाबलों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते रहें, तो जाहिर सी बात है ईशान किशन और केएल राहुल के लिए जो बात हो रही कि वर्ल्ड कप में उनकी जगह बन सकती है, वो मुश्किल में पड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें दिल्ली की पारी की बात करें, तो दिल्ली ने पहले खेलते हुए अगर आप देखें उनके सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। ऋषभ पंत जो कि वापस आए थे तो उन पर नज़रें बहुत ज़्यादा थी, ऐसे में 18 रन की उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। ऋषभ पंत के इस कमबैक को आप कैसे देखते हैं, दिल्ली के टीम के इस आने वाले सफर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि इस आईपीएल में भी दिल्ली की टीम पूरी तरीके से अगर आप देखें एक नई टीम की तरह ही है। पृथ्वी शॉ को पहले मुकाबले में ड्रॉप करने के साथ साथ सवाल भी उठा कि क्या पृथ्वी शॉ ने लगभग अपना करियर अब खत्म ही कर लिया है। तो ऐसे में ऋषभ पंत पर फोकस ज़्यादा रहेगा, कैप्टन ऋषभ पंत पर भी, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए भी अच्छी खबर है। आपको ऋषभ पंत के 18 रन कैसे लगे, ये उनके ट्रेलर कैसा लगा जो ऋषभ 2.0 आया है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत